तो अभी अभी एक जो है बहुत ही एक अच्छी जो न्यूज़ हमें जो है सुनने में आई है कि पबजी जो है वो इंडिया में बैन नहीं होगा। हाँ, आपने सही सुना कि अब जो है पबजी जो इंडिया में बैन नहीं होने वाला है। और साथ ही कई लोगों को भी ऐसा भी लगता है कि जो पबजी जो है वो एक चाइना का जो गेम है, यानी जो चाइनीज जो है वो ऐप है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जो इसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ कि जो पबजी क्या जो है वो चाइनीज ऐप है, और साथ ही क्या पबजी जो है वो इंडिया में बैन होने वाला है या नहीं। लेकिन नहीं, इंडिया में बैन नहीं होगा। इस वीडियो में इसकी मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है लक्की और आप देख रहे हैं लक्की विशा। और अभी तक आप अपने चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाइए, जाके फॉलो कर दीजिए। वहाँ भी मैं जब टेक्स्ट लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो लाता रहता हूँ सच में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पबजी गेम है जो वो जो है वो चाइनीज ऐप नहीं है, वो एक चाइनीज गेम नहीं है, वो जो है कोरियन वर्जन है, यानी जो है वो कोरिया जो देश है उसका जो है वो गेम है। लेकिन अगर आप जो पबजी जो मोबाइल खेलते हो, यानी जो मोबाइल में जो पबजी खेलते हो वो उसमें जो मैं देखने को मिलता है टेंसेंट, वो टेंसेंट कंपनी है वो चाइनीज कंपनी है, उसने जो है वो कोरियन से जो हम जो कोरिया की जो गेम है पबजी वो भी जो ना एक ही है। लेकिन वो अगर वो कौन सी गेम है वो हम जो पीसी में खेलते हैं या फिर लैपटॉप में खेलते हैं वो जो गेम है कोरिया की गेम है। लेकिन हम जो है पबजी मोबाइल जो खेलते हैं वो जो है टेंसेंट उसमें लिखना आता लिखा हुआ आता है, वो जो है टेंसेंट जो कंपनी है वो चाइनीज कंपनी है, यानी जो है वो टेंसेंट ने जो है कोरियन की कंपनी के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है इस गेम में, कि मैं जो है वो इंडिया में जो मेरा गेम लॉन्च करूंगा लेकिन वो मेरी कंपनी से होगा। यानी जो है वो पबजी जो गेम है वो तो जो है वो कोरिया की है लेकिन जो उसकी कंपनी जो हमें उसमें जो फ्रेंचाइजी है वो टेंसेंट गेम के पास है। तो अभी अभी सुनने में ये भी आया है कि जैसा कि आपने कोरिया ने कहा है कि मैं अगर जो है वो टेंसेंट के पास जो फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, इंडिया की जो है फ्रेंचाइजी जो ले लेता हूँ तो वो मैं अपनी उसकी फ्रेंचाइजी जो है मैं खुद लूंगा, यानी जो है वो अब जो है वो गेम जो है वो टेंसेंट के नाम से जो है नहीं जाना जाएगा। जो उसकी कंपनी थी टेंसेंट वो अब नहीं रहेंगी, वो उसकी जो है कंपनी होगी वो जो है वो कोरिया की होने वाली है। यानी अगर जो है वो टेंसेंट जो है वो चाइनीज कंपनी थी वो ही जो है पबजी मोबाइल में नहीं रहेगी, यानी पबजी जो है अब वो चाइनीज गेम नहीं रहेगी। लेकिन वो पहले भी तो चाइनीज नहीं थी, वो जो है वो उसकी जी फ्रेंचाइजी टेंसेंट के पास थी इसलिए जो इसको हमको जो बैन कर दिया था। लेकिन अभी अभी जो सुनने में आया है कि वो जो है वो कोरिया उसको जो है वो फिर से अपने पास ले लेगा, उसके पबजी मोबाइल को भी अपने पास ले लेगा उस गेम को, और फिर से जो है इंडिया में लॉन्च करेगा और वो हमारी गवर्नमेंट से भी बात करेगा और फिर से जो हमारे पबजी को जो है वो इंडिया में आने के चांस जो है वो हमें दिख रहे हैं। लेकिन मैं तो आपको यह कहूँगा कि अगर पबजी वापस भी आए तो फिर भी आप पबजी ना खेले, क्योंकि वो जो है कोरिया की, वो भले ही चाइनीज ना हो लेकिन वो कोरिया देश की है। खेलना ही चाहे तो हम अपने, जैसे हमने पता है कि हमारे अक्षय कुमार सर जो है वो नया गेम काटने वाले हैं जिसका नाम है फौजी, जैसा कि उन्होंने जो इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था कि वो जो एक नया गेम निकालने वाले जो हूबहू पबजी के जैसा होगा जिसका नाम है फौजी, जो मेड इन इंडिया गेम है। यानी अगर हम गेम खेलना ही है तो हम पबजी क्यों खेले, भले वो चाइनीज ना वो हम अपने पबजी खेल कर वो सारे पैसे कोरिया में क्यों जाने दें। इससे अच्छा कि हम क्यों ना जो है अक्षय कुमार जो हमारे नए गेम निकालने वाले हैं फौजी उसको खेले, ताकि वो सारा पैसा हमारे इंडिया में तो आए, दूसरे देश में जाने से अच्छा तो वो सारा पैसा हमारे देश में ही तो आएगा जिससे हमारे देश का विकास होगा। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा पबजी ना खेलनी चाहिए, और जब भी जो है फौजी गेम लॉन्च हो उसको ही आप जो है खेल लें। तो आप मुझे बताइए कि आपको अगर जो पबजी जो है अनबैन होगा तो आपको जो इसमें कितनी खुशी मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि पबजी अगर अनबैन होगा तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो पबजी जो है वो अनबैन होना चाहिए। अगर हाँ या ना तो मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा क्या पबजी जो है इंडिया में अनबैन होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।